9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज तो शुरू हो गया, लेकिन लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो कि सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर खुद शपथ लेंगे। इसके बाद वे करीब 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत में कुछ क्षणों के लिए मौन भी रखा जाएगा। इसके बाद लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह चुने गए सांसदों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे। इसके बाद महताब सांसद में अपनी पैनल में शामिल 5 सहयोगियों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद लोकसभा में सबसे पहले सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। उनके बाद क्रमशः कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 26 जून से लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति को लेकर चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष वरिष्ठ सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर काफी नाराज है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिल सकती है और यह सत्र हंगामेदार रहने की काफी आसार है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या कुछ रहने वाला है, अगर इसकी बात की जाए तो 24-25 जून को 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके अलावा 28 जून को प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराएंगे, जिसके बाद 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बता दें कि स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आमतौर पर सदन के वरिष्ठतम सदस्य यानी चुनाव में जीत के आधार पर इस पद को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, फिर नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वह स्थायी रूप से सांसद चलाते हैं। नए स्पीकर के चुनाव के साथ ही उनकी सेवा भी समाप्त हो जाती है। बहरहाल देखना होगा आज सदन में क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।